जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तकरीबे बाकायदा बसिलसिला स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन और सेरेमनी के हवाले से और इसके अलावा 6 सितंबर 1965 यानी कि योम दिफा के हवाले से जो है इसका इनेकाद हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि योम दिफा एक मुसलमान होने के नाते हम सब का ये फख्र का दिन है कि आज के दिन जो है दुश्मन पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब उन्होंने सुबह फजर के टाइम पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो है बिना बिताए जो है हमला किया और उन्होंने इस बात पे फख्र किया कि जो हमने सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर की सरजमीन में जाकर करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। हमारे जवानों ने जो है उसके इस जुमले की मनफी करते हुए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा के हमारे मुल्क पाकिस्तान को सुरक्षित किया। तो आज इसी हवाले से जो है तकरीब यहाँ पे इनाकाद किया गया है ताकि जितने भी हमारे ये स्कूल के बच्चे हैं आपको भी इस दिन के बारे में जो है पता चल सके। और इसके अलावा जो है दूसरा मकसद इस तकरीब को सजाने का वो ये है कि जो स्टूडेंट इलेक्शन काउंसिल जो इलेक्शन हुआ था 18 अगस्त 2022 को, तो उसमें जो कामयाब मेंबरान थे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तें जिन्होंने जीती थी उनकी आज यहाँ पर उनसे अहद लिया जाएगा। जिन मकसद के लिए जो है हमने इलेक्शन करवाए थे क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी आज के दिन उनको यहाँ पर बताई जाएगी। और अब मैं बाकायदा आगाज जो है जिस तरह से हमारी ये रिवायत का हिस्सा है कि कोई भी तकरीब हो कोई भी महफिल हो तो उसका बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से किया जाता है, वो कलाम जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और वो कलाम जो हमारी समातों का रिज़्क है और उस जैसा कलाम पूरी दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल उसी रवायत को बरकरार रखते हुए हम इस तकरीर का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम इलाही से करेंगे। तो तिलावत कलाम इलाही के लिए मुल्तमिस हूँ हमारे इसी अदारे के मोहम्मद एहसन जिनका ताल्लुक जमात हश्तो में है, वो तशरीफ लाए और आयात बयाना से हमारे दिलों को मोहम्मद। एक यहाँ पे काबिल तवज्जो बात बेटा ये भी है कि जब भी कोई दीनी दावत कोई दी जाए या कोई तिलावत नाद या हम के लिए किसी को दावत दी जाए तो ताली नहीं बजाते बल्कि मुंह में जो है सुभान अल्लाह कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने तिलावत कलाम इलाही की शहादत आप फरमाएंगे मोहम्मद अहसन। Thank you.